देखो बेटा, डाइजेशन के बाद आपने न्यूट्रिशन कर ली, तो न्यूट्रिशन के बाद जो तो फूड है ना, फूड डाइजेस्ट होने के बाद जाता है ब्लड में। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझो व्हाट आई एम टेलिंग। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा अगला टॉपिक है वो रेस्पिरेशन क्यों है, क्योंकि अभी हमने न्यूट्रिशन पढ़ा। तो ध्यान से समझिए जरा, जैसे हमने फूड खाया, फूड खाने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होएगा फूड स्टमक में या इंटेस्टाइन में। डाइजेस्ट होने के बाद जो फूड है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद विलाई जो है इसे फूड को, डाइजेस्टेड फूड को विलाई ब्लड में ले जाएगी। अब हमारे ब्लड में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, O2, जो हम सांस लेते हैं ना, रेस्पिरेशन। देखो हमारा टॉपिक यही है, रेस्पिरेशन। तो ये यहाँ से शुरू होता है कि खाने के बाद फूड ब्लड में चला गया, तो ब्लड में क्या होगा, फूड की ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन मतलब उसकी बर्निंग होगी और हमें मिलेगी एनर्जी। एक तो CO2 बनेगी, साथ में हमें मिलेगी एनर्जी, और एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। एनर्जी मॉलिक्यूल का नाम है ATP, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो CO2 बनेगा तो, और साथ में वाटर भी बनता है। तो ये एक प्रोसेस है जो आपका डाइजेशन के बाद होता है। अब इस प्रोसेस को हम किस नाम से पढ़ने जा रहे हैं, बाय द नेम ऑफ रेस्पिरेशन। तो अब हमारा टॉपिक शुरू होता है रेस्पिरेशन। फिर से देखो क्या होती है रेस्पिरेशन, जब हम खाना खा लेते हैं फूड, तो फूड डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो कन्वर्जन है ये विलाई क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में ले जाता है। ब्लड में ऑक्सीजन मिलती है जो आपका रेस्पिरेशन का पार्ट है, और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देती है, एनर्जी में। आपके ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, और उस एनर्जी मॉलिक्यूल का नाम है ATP, और ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में यूज हो जाता है, और हमें दिन भर यहाँ से ATP से एनर्जी मिलती है। ATP की फुल फॉर्म याद है, आपने 9th में पढ़ी हुई है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। यस सर, ATP की एडेनोसाइन फुल ट्राइफॉस्फेट। फॉर्म। नाउ नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो आपको एक बेसिक चीज समझ में आ गई कि हम रेस्पिरेशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि खाना पचने के बाद ब्लड में जाएगा, ब्लड में उसकी बर्निंग होगी। बर्निंग मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन उसे रिएक्ट करेगा और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ये रेस्पिरेशन कहा जाता है। इतने प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन। तो अब आ गए हम रेस्पिरेशन पे। अब देखो रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास नोज है, लंग्स हैं, यही चीजें हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारी रेस्पिरेशन है उसके दो हिस्से हैं, ब्रीदिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ब्रीदिंग का मतलब होता है CO2 को रिलीज करना और ऑक्सीजन को इनटेक करना। ब्रीदिंग का क्या मतलब है, ब्रीदिंग का मतलब है CO2 आउट करना एंड ऑक्सीजन को इन करना। ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, ऑक्सीजन इन। तो ये होता है आपका ब्रीदिंग, इसे कहते हैं फिजिकल प्रोसेस। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या है, ये आपको मैंने बता दिया, ये कि फूड ब्लड के अंदर फूड गया उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, मतलब उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाएगा और आपको ATP मिलेगी, यानी इस प्रोसेस में आपको एनर्जी मिलती है। तो कोई आपसे पूछे कि भाई व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो आप बताइए रेस्पिरेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन, जो ब्रीदिंग है ये CO2 आउट और ऑक्सीजन इन करना है, यानी ये आपका हो गया फिजिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस क्या है कि ये ऑक्सीजन अंदर जाएगा ब्लड में और आपके फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, तो ये केमिकल प्रोसेस हो गया। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रीदिंग प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑल्सो कॉल्ड फिजियोकेमिकल प्रोसेस, और इसे हम क्या कहते हैं, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल प्रोसेस, फिजियोकेमिकल प्रोसेस का मतलब ऑक्सी ब्रीदिंग प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। रेस्पिरेशन इज ब्रॉडली मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैस। तो आपको पता चल गया ब्रॉडली मीनिंग क्या है रेस्पिरेशन का, एक्सचेंज ऑफ गैस, CO2 रिलीज करना, ऑक्सीजन इनटेक करना। एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे एनिमल्स हैं, जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन के पास लंग्स हैं, फिश है, फिश के पास गिल है,
एमीबा है, उसके पास बॉडी सरफेस है, तो अलग अलग एनिमल का अलग अलग है। प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा है, लीव्स के अंदर, प्लांट में लीव्स है, स्टोमेटा है, रूट्स में भी पोर्स होते हैं, रूट हेयर हेल्प करते हैं, या लेंटी सेल्स उनके नाम है। एट सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल मतलब सेल के अंदर, एट ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एट सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन मींस बर्निंग ऑफ फूड। देखो जो मैं ये बता रहा था कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होगा और फूड होगा, उसकी बर्निंग, ऑक्सीडेशन को बर्निंग कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, बर्निंग ऑफ फूड फॉर जनरेटिंग एनर्जी नीडेड फॉर अदर लाइफ प्रोसेस। मतलब एनर्जी तो यहीं से मिलेगी ना, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से ही, तो इस एनर्जी से हम अपना डे टू डे काम या हम जिंदा जो रहते हैं इसी एनर्जी की बदौलत जिंदा रह पाते हैं एनिमल्स। सेलुलर रेस्पिरेशन में टेक प्लेस इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब आपकी रेस्पिरेशन दो तरीके की है, यानी आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है इनका नाम, क्या नाम है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक, और दूसरे टाइप का नाम बन जाएगा एनरोबिक, यानी वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज हो गया, वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज हो गया उसे हम बोलेंगे एरोबिक, एरोबिक, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनरोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो ये तो था जनरल, जनरल जो आपको मैंने बताया कि रेस्पिरेशन है क्या, कैसे टर्म आई, तो ये जनरल हो गया। तो आप यहाँ से क्वेश्चन आंसर बेटा बना लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर जरूर बनाने हैं, फ्लो चार्ट जरूर बनाने हैं, जो भी मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ समझाने के लिए, ये फ्लो चार्ट आप जरूर बनाए। फ्लो चार्ट बनाने से आपके ब्रेन में ये फिट हो जाता है, और थ्योरी तो फिर आप लिख ही लेंगे, समझ में आ गया तो आप थ्योरी लिख ही लेंगे। ओके अब समझते हैं आगे। अब देखो ग्लूकोज आ गया, कहाँ से आया, फूड से, ब्लड में आएगा, ऑक्सीजन इसको मिल जाएगी। अब हम रेस्पिरेशन एक्चुअल में समझने जा रहे हैं क्या होती है, अभी हमने जनरल बात की, जनरल समझाने के लिए, अब एक्चुअल में क्या होता है। ग्लूकोज आया ब्लड में, ये वाला प्रोसेस है बेसिक, ग्लूकोज आया फूड से, ऑक्सीजन मिल गया क्योंकि हम सांस लेंगे तो ब्लड में ऑक्सीजन भी जाएगा, ये और ये एक दूसरे को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ये इससे रिएक्ट करता है, यानी केमिकल रिएक्शन हो गई इसका। यहाँ पे क्या होगा आपका, हेयर ऑक्सीजन और फूड की केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, इस केमिकल रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन, और इस केमिकल रिएक्शन को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, जहां पे भी ऑक्सीजन रिएक्ट करे उसे ऑक्सीडेशन। जैसे ही केमिकल इससे रिएक्ट होगा आपको एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ये सारा प्रोसेस, एनर्जी वाला कहाँ होगा हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया में। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जो हम बाहर निकाल देंगे, साथ में स्मॉल अमाउंट में वाटर बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कैन बी यूज फॉर सेल एक्टिविटी, एग्जाम्पल मसल कॉन्ट्रैक्शन, और ये यानी जो ये एटीपी बनेगी ये हमें काम सोचने में हेल्प करती है, चलने में, मतलब ये एनर्जी किस चीज में, हमारी डे टू डे वर्क में हेल्प करती है, चलना फिरना दौड़ना सोचना लिखना, है ना, मतलब हमारी बॉडी में जहां भी एनर्जी की जरूरत होगी, जैसे हम देख रहे हैं पढ़ रहे हैं तो बिना एनर्जी के थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, एनर्जी है तभी पढ़ रहे हैं। जब हम थक जाते हैं, यार मेरी एनर्जी डाउन हो गई, मेरी बैटरी डाउन हो गई, मतलब आपकी एटीपी खत्म हो गई, खाना खा लो फिर से एटीपी आ जाएगी, है ना, खाना ना खाओ तो एटीपी बनेगी नहीं, तो आप थके रहोगे। तो ये प्रोसेस होता है हमारा, एक बेसिक प्रोसेस है ये हमारा रेस्पिरेशन का। चलो आप इसे फटाफट नोट करो फिर मैं आगे कराता हूँ। हाँ जी बेटा, अब एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले तो ये रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन क्यों पढ़ाया जा रहा है सबसे पहले, ये तो इसका रीजन ये है कि फूड डाइजेस्ट होने के बाद वो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे ब्लड में चला जाता है। अब ब्लड में जाने के बाद उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो रेस्पिरेशन से ही आएगी, तो इसलिए आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया जाता है। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, रेस्पिरेशन का दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, ब्रीदिंग एंड ऑक्सीडेशन। ब्रीदिंग इज फिजिकल प्रोसेस, क्योंकि ऑक्सीजन लेना है और CO2 रिलीज करना है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, और ऑक्सीडेशन केमिकल प्रोसेस होता है, तो इसको हम शॉर्ट में फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। जो हमारा रेस्पिरेशन है ये दो तरीके का होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर का यहाँ पे मीनिंग ऑक्सीजन से है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, इन द एब्सेंस ऑफ एयर इसे हम कहते हैं एनरोबिक रेस्पिरेशन।
अब एक बार ये पूरा केमिकल प्रोसेस समझ लेते हैं, मतलब ब्रीदिंग नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या होता है ये समझते हैं। ब्रीदिंग तो अभी हम और आगे करेंगे कि क्या कैसे कैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है, अभी हम मेनली कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन में हमें एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में मिलती है। तो किस तरह से मिलती है? एरोबिक में। सो देखो, एरोबिक में क्या होता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज आ जाता है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाती है, इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं बर्निंग, बर्न कर देता है सेल के अंदर ही। जैसे ये बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, इस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी बनती है, उस एनर्जी मॉलिक्यूल का नाम है एटीपी। और कितनी एटीपी बनती है? 38। ये एटीपी हमें सोचने में हेल्प करती है, चलने में हेल्प करती है, लिखने में हेल्प करती है, सोने में हेल्प करती है, सोने में भी तो एक्टिविटीज चल रही होती है ना। और जब ये डाउन हो जाएगी तो आप बोलोगे मैं थक गया, जब आप थक जाते हो इसका मतलब ये है कि आपकी एटीपी कम हो गई। साथ में क्या रिलीज होता है? CO2, और CO2 वेस्ट है जो आप नोज के थ्रू बाहर निकाल देते हो, साथ में वाटर रिलीज होता है। सो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ये, कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं है, रेस्पिरेशन दो चीजों में बना हुआ है, ब्रीदिंग प्लस ऑक्सीडेशन। तो ब्रीदिंग इन एंड आउट ऑफ गैसेस एंड ऑक्सीडेशन मतलब उसके थ्रू हो क्या रहा है, एनर्जी मिल रही है। तो ये हो गया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, जो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। चलो इसे एक बार हम छोटे से सम अप करते हैं यहाँ से। देखो, रेस्पिरेशन दो तरीके की है, क्या नाम है इन दो तरीके का? एरोबिक एंड एनरोबिक। ठीक है जी, एनारोबिक एरोबिक इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में एनर्जी मॉलिक्यूल ज्यादा मिलती है, दैट इज 38 एटीपी, मतलब मोर एनर्जी, एंड एनरोबिक में कम मिलती है। जैसे ये आपका ईस्ट हो गया, ईस्ट में होती है, ठीक है, और ये है हमारा नॉर्मल, नॉर्मल ऑक्सीडेशन जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, ये एनर्जी कहाँ जाएगी? ये जाएगी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया याद है ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस? बिकॉज इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? आपके सामने दिख रहा है, एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। देखो, जब आप थक जाते हो, मतलब जब आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, तो उस टाइम आपकी बॉडी में एटीपी की जगह एडीपी होता है, एडीपी होता है डाई, सारा कुछ सेम रहेगा, बस ट्राई की जगह डाई आ जाएगा, यानी इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब जरा ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ, डाइफॉस्फेट। जब आप थक जाते हैं या जब कोई भी ह्यूमन बींग थक जाता है, एनिमल थक जाता है, तो उसकी बॉडी में जो एटीपी है वो खत्म हो जाती है, और किसमें चेंज हो जाती है? एडीपी में। अब क्या होता है, उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो गई। जैसी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो जाएगी, तो जो ये आपका एडीपी था वो किसमें चेंज हो जाएगा? एटीपी, एटीपी में चेंज हो जाएगा। और एटीपी जो है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है, जो आपको जरूरत पड़ने पे एनर्जी देता है। सो दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन, पेपर में नहीं आएगा, जस्ट कीप इन माइंड। तो फिर से समझो, जब आप थक जाते हो तो आपकी बॉडी की एनर्जी कम हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं लेस एनर्जी स्टेट। तो लेस एनर्जी में आपकी बॉडी में एटीपी नहीं होता, क्या होता है? एडीपी। जब आप खाना खाते हो और फूड की ऑक्सीडेशन हो जाती है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई फूड की, तो क्या होगा? जो आपका एडीपी था उसको एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी मिलने से वो एटीपी बन जाता है, ट्राइफॉस्फेट। और ये एनर्जी आपको दिन भर हेल्प करती है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए। तो ये होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। सो यू कैन यू नो नोट दिस ऑल। सो इसे आप नोट कर लीजिए, NOT नोट बना के। तो हमने ये सीख लिया एक बेसिक सा, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है ना एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनरोबिक रेस्पिरेशन। अब जैसे मैंने ईस्ट बताया, तो इसी तरह से एनरोबिक रेस्पिरेशन ना कब होती है? जब हम दौड़ रहे होते हैं। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो आपने देखा आपकी सांस फूल जाती है, इसका मतलब जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिल नहीं रही, तो आपकी सांस फूल जाती है, थक जाते हो। यानी उस टाइम पे, एट दैट मोमेंट, जैसे अभी बैठे हो तो अभी आप दौड़ नहीं रहे, नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हो, तो नॉर्मल एक्टिविटी में ऑक्सीजन फुल मिलती है। बट जब आप दौड़ते हो तो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो उतनी मिल नहीं पाती, तो आपकी सांस फूल जाती है।
तो वो ना मसल्स में हो रही थी उस टाइम पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस टाइम मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन मिलती नहीं, तो उस टाइम पे जो रेस्पिरेशन हो रही होती है हमारी बॉडी में वो एनरोबिक हो रही होती है। अभी नहीं, जब आप दौड़ोगे, दौड़ते हुए जब आपका सांस फूल जाए तब, वैसे नहीं। ठीक है, तो अब हम इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन की दो टाइप और उसमें कैसे कैसे कितनी कितनी एनर्जी मिलेगी, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सो देखो, ये रही फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट को हम कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बाय वेरियस मेथड, या इसे इस मैथ इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बाय वेरियस मेथड, या हम इसे कह सकते हैं आपका ग्लूकोज ब्रेकडाउन, क्योंकि ग्लूकोज टूटेगा तभी एनर्जी मिलेगी। चलो अब हम इसको शुरू करते हैं। अब आप देखना ध्यान से, और ये फ्लो चार्ट आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, वहां से भी नोट करना और याद करना, क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। देखो जी, सबसे पहले खाना खाया तो ब्लड में ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। अब ये साइटोप्लाज्म में चला गया, ब्लड में जाने का मतलब साइटोप्लाज्म में चला गया। अब साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज टूटता है, टूट के इसके बनते हैं पाइरुवेट। याद रखना, अगर कोई पूछे भाई ग्लूकोज से पाइरुवेट कहाँ पे बनता है, तो हमारे साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर। ब्लड में जाने के बाद वो सेल में जाएगा, सेल में साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में टूट के 3 कार्बन चेन बन जाती है, जिसे हम कहते हैं पाइरुवेट। अब क्या होता है, अब अगर दो तरह की है, एनरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, लैक ऑफ ऑक्सीजन को भी एनरोबिक कहते हैं, ये मसल्स में होगी, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन, ये है आपका एरोबिक। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप याद रखिए, ये आपका एरोबिक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये आपका एनरोबिक है, एनरोबिक, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन एक ही बात है, ये भी क्या है, एनरोबिक रेस्पिरेशन। लो जी, अब समझो जरा ध्यान से, अब क्या होता है, जैसे ईस्ट है, तो ईस्ट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, तो वो क्या करेगा, वो पायरुवेट को इथेनॉल में तोड़ेगा, CO2 में तोड़ेगा और एनर्जी बनाएगा। तो आपने सुना ना दारू बनाने वाला प्रोसेस, वो यही प्रोसेस है, दारू बनाने वाला जो प्रोसेस है उसमें ग्लूकोज में ईस्ट डाल देते हैं और 10-12 दिन छोड़ देते हैं सड़ने के लिए, तो इसे फर्मेंटेशन भी कहते हैं इसी प्रोसेस को, इसी प्रोसेस को ईस्ट के अंदर, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ फर्मेंटेशन, कीप इन माइंड, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ फर्मेंटेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्मेंटेशन। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि जब हम ईस्ट से रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या बनता है, तो आप बताइए, इथेनॉल, इथेनॉल को दारू कहते हैं, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है कि आप दौड़ रहे हो बहुत, है ना, आप दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते आप थक गए, तो आपकी बॉडी में कौन सा एसिड बन गया, तो इसका आंसर आएगा लैक्टिक एसिड। जब आप दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते थक गए, तो आपकी बॉडी में कौन सा एसिड बन गया जिससे आप थक गए, तो इसका आंसर है लैक्टिक एसिड, और ये हमारे मसल्स में होता है। कहाँ होता है ये हमारा प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है हमारे मसल्स में होता है, कीप इन माइंड। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ह्यूमन बॉडी में एनरोबिक रेस्पिरेशन कब होती है और कहाँ होती है, तो आप बताइए, मसल्स में होती है जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज मतलब दौड़ना, भागना, नाचना, मतलब कोई भी फ्रीक्वेंट वाली एक्टिविटी जहां पे एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो वो हमारे मसल्स में होती है, ध्यान रखना, और ये एनरोबिक है। तो अगर कोई आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ह्यूमंस में एनरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है, तो आप बताइए, लैक्टिक एसिड बनता है, कहाँ होती है ये हमारे मसल्स में होती है। अब नॉर्मल, जैसे हम अभी बैठे हैं या खाना खा रहे हैं या हम जस्ट हल्की फुल्की एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हमारी सांस नहीं फूलती, तो वो जो एक्टिविटी है वो होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होंगी ये वाली सारी एक्टिविटीज, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में, ये लिखा है, और इसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, एनर्जी बनेगी, और यहाँ पे जो एनर्जी बनेगी ये है 38 ATP, और ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, और हमें जब जब एनर्जी चाहिए ये हमें एनर्जी देता रहेगा। तो अब एक बार दोबारा सुन लो, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भाई ग्लूकोज के अलग अलग तरीके दिखाओ टूटने के, या फिर क्वेश्चन बन सकता है एरोबिक और एनरोबिक रेस्पिरेशन एक्सप्लेन करो, ये पूरा ड्रॉ कर दो, इसमें यही तो है, एरोबिक एनरोबिक की तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें मसल मत बनाना। या पेपर में क्वेश्चन आ गया कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो थक गए तो क्या हुआ, तो सिर्फ ये वाला बना दो, ग्लूकोज, पायरुवेट, मसल, और ये सिर्फ ये वाला बनाना है। अगर वो बोलता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो थक गए, दौड़ रहे हो थक गए, नाच रहे हो थक गए,
तो ये सारी एक्टिविटीज है, ये वाला बना दो। अगर पेपर में आए भाई रेस्पिरेशन ऑफ ईस्ट बताओ, तो आप ग्लूकोज पायरुवेट और ईस्ट वाला बना दो। यानी इसमें तीन चार क्वेश्चन कंबाइन किए हुए हैं। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि जब आप विग्रस एक्सरसाइज करते हो तो कौन से एसिड बनने के कारण आप थक जाते हो, तो क्या आंसर दोगे बेटा, कौन सा एसिड बनने के कारण थक जाते हो, लैक्टिक एसिड। अच्छा कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं भी जो पायरुवेट की फॉर्मेशन है ये कहाँ पे होती है, ग्लूकोज से पायरुवेट की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप बताइए साइटोप्लाज्म में। अच्छा पायरुवेट साइटोप्लाज्म क्या है, अगर कोई पूछे व्हाट इज पायरुवेट, तो आप बोलो इट इज अ थ्री कार्बन मॉलिक्यूल, एंड व्हाट इज ग्लूकोज, सिक्स कार्बन, छह कार्बन ग्लूकोज, थ्री कार्बन ये। अब कोई पूछे नॉर्मल जो हमारी रेस्पिरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में उसका प्रोडक्ट बताओ क्या बनता है प्रोडक्ट, तो आप बोलो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये फ्लो चार्ट बेटा याद करना पड़ेगा, लो अब आप इसे ड्रॉ कर लो एंड लर्न नाउ।